दोस्तों, बीमारी क्यों होता है? तुरंत बीमारी से बचें और नियम जरूर सुन लो। 2 मिनट की वीडियो है, आपकी जिंदगी जो है वो पूरा बदल देगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं दोस्तों, कि आपको जानकारी उचित मिले। सवाल नंबर 1, ठंडा रोग कैसे ठीक होता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है खाना में लहसुन खाने से रोग जो है वो तुरंत ठीक हो जाता है। जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं उनको ठंडी की बीमारी कभी नहीं छूटती है और शरीर से मिटती है दोस्तों। सवाल नंबर 2, पूजा करने से क्या होती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है पूजा करने से घर में बीमारी जल्दी नहीं आती है और सब लोग सुख शांति से रहता है और बीमारी आने वाला भी मिट जाता है। इसीलिए पूजा पाठ जरूर करना चाहिए दोस्तों, आप लोग जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 3, दही चिवड़ा चीनी कब खाकर कहीं यात्रा पर जाना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है यात्रा पर आने जाने पर जरूर दही चिवड़ा चीनी खाना चाहिए। जो लोग नहीं खाते हैं उन्हीं लोगों को यात्रा जो है वो खराब हो जाती है और जाने के बाद में कोई दुर्घटना होने की संभावना बना रहता है दोस्तों। सवाल नंबर 4, लक्ष्मी माता घर में कब आती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है ईमानदारी से पूजा पाठ करने पर आती है माता लक्ष्मी घर में। जो लोग ईमानदारी से पूजा पाठ नहीं करते हैं उन लोगों के घर में बिल्कुल नहीं आती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।